एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैं जो दिखा रही हूँ आपको, ये DEC का जो प्रोजेक्ट फाइल है आपकी, यदि सबमिट करनी है आपको, रीसबमिट करनी है, तो डेट उसकी पोस्टपोन हो गई थी, तो अब जो डेट है आ गई है और ये 31 मई तक की है। इसमें ये हम इंट्रैक्शन दिए जा रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन अपनी प्रोजेक्ट फाइल जमा कर रहे हो तो आपको क्या क्या इंट्रैक्शन फॉलो करने होंगे, वो चीज़ मैं इसमें बताऊँगी आपको। तो इसमें जो लिखा है अभ्यर्थियों को, जो केवल दिसंबर वालों की बात हो रही है, ठीक है, जो दिसंबर में असाइनमेंट जमा करना चाहते हैं, रीसबमिट, जिन्होंने सबमिट किया था और रीसबमिट करना है। और COVID-19 की महामारी के कारण विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अंतिम परियोजना, शोध प्रबंधन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटरनल शिप रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन मोड, तो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। तो यह पोर्टल जो है विशेष रूप से DEC परियोजना को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है। छात्रों को मूल परियोजना रिपोर्ट में टिप्पणी कॉलम, मूल्यांकन पत्रक में मूल्यांकनकर्ता द्वारा सलाह के अनुसार कई परियोजनाओं को पूर्ण करके अपलोड करना आवश्यक है। कृपया परियोजना रिपोर्ट के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर पुनः प्रस्तुत के रूप में लिखें, मतलब जो आपने पहले सबमिट किया होगा उसमें जो चीज़ें लिखी थी, डेट वगैरह भी इंक्लूड की होंगी, तो वो आपको फिर जो अब सबमिट करेंगे तो अब की डेट लिखेंगे ना, तो वो चीज़ें जो भी उसमें रिसेंटली की होगी वो आपको चेंज करनी होगी। और परियोजना रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करने के लिए आपको DEC की जो प्रोजेक्ट फाइल है 4 वाली, उसमें ₹1000 आपको भुगतान देने पड़ेंगे, ठीक है, भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। शिक्षार्थी यदि सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से परियोजना की डिजिटल प्रति अपलोड करते समय स्कैन किए गए पृष्ठ जो है स्पष्ट हैं और धुंधले नहीं हैं, अनुक्रम सही हैं, पृष्ठ अच्छी तरह से प्रकाशित हैं और मंद नहीं हैं, पृष्ठों का अभिविन्यास सामान्य है, तो इस तरीके से आप यदि करेंगे तो आपकी जो उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं स्पष्ट दिखनी चाहिए और कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, धुंधलापन नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी मूल जो परियोजना रिपोर्ट का एक विषय पाठ्यक्रम के लिए एकल PDF जो प्रोफाइल है, प्रारूप है, फाइल का स्कैन किया जाना है, और ताकि जो छात्र हैं मूल्यांकन प्रभार आगे की कार्यवाही के लिए इसे एकल PDF प्रारूप फाइल में अपलोड कर सकें, ठीक है। PDF फाइल से पहले प्रश्न में नीचे दिए गए अनुसार लिखने वाले को सही विवरण, जैसे ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, परियोजना रिपोर्ट का शीर्षक, शिक्षार्थी का नाम, प्रोग्राम कोड, नामांकन संख्या, केंद्र क्षेत्र का कोड और पाठ्यक्रम कोड, संलग्न परियोजना फाइल, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये आपको पूरा बहुत अच्छे से फिल करना होगा। इस तरीके से आपको इस पोर्टल पे देखो पुनः प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट का या ऑनलाइन भुगतान संबंधी प्रश्न के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित छात्र मूल्यांकन प्रभार में जो ईमेल ID दी हुई है हाथ पर जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए और इसके बाद आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सीधे इसे सबमिट कर सकते हैं, अपने जो आपको प्रोजेक्ट फाइल है, अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको, और ये QR कोड जो है सिक्योर कोड डाल के आपको ये इस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो इग्नू का, आप किस तरीके से असाइनमेंट आपको अपलोड करनी, प्रोजेक्ट फाइल अपलोड करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉच।